इस आईपीएल का नया सरताज अलग है जिसका सबसे अंदाज। पूरे आईपीएल में नहीं है संजू सैमसन जैसा खतरनाक कप्तान। बड़े बड़े सूरमाओं को दे दी संजू ने टक्कर। लखनऊ के नवाबों की भी नहीं चली नवाबी। प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई राजस्थान रॉयल्स। जी हां, संजू ने वो कर दिखाया जो इस आईपीएल में कोई नहीं कर पाया। संजू ने सबसे पहले अपनी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में पहुंचाया। जी हां, भले ही राजस्थान रॉयल्स के आगे अभी पॉइंट टेबल में ऑफिशियली क्वालिफाइड ना लिखा हो, लेकिन 16 पॉइंट के साथ संजू सैमसन ने अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचा दिया है, ये तो तय है। इस मैच में न सिर्फ संजू ने शानदार कप्तानी की बल्कि शानदार बल्लेबाजी करके अपनी टीम को विजयी पताका लहराया। मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी की थी और बोर्ड पर 200 के करीब स्ट्राइक रेट के साथ 196 रन ठोक दिए थे। कप्तान केएल राहुल ने 48 गेंदों पर 76 रन ठोके तो दीपक हुड्डा ने 31 गेंदों पर 50 रन ठोके। इन दोनों की बदौलत टीम ने 20 ओवर में 196 रन ठोक दिए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं थी। 18 गेंदों पर यशस्वी 24-20 बनाकर आउट हो गए तो जॉस बटलर ने 34 बनाए, लेकिन इसके बाद कप्तान संजू सैमसन ने रियान पराग और फिर ध्रुव चहल के साथ मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप कर दी और अपनी टीम को एक हारा हुआ मैच जिता दिया। संजू सैमसन ने 33 गेंदों पर 71 बनाए, 7 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए। वहीं रियान पराग ने 11 गेंदों पर 14 बनाए तो ध्रुव चहल ने शानदार 34 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने इस आईपीएल में इतिहास रच दिया। 19 ओवर में ही 199 बनाकर ये टारगेट हासिल कर लिया और साथ ही साथ पॉइंट टेबल में खुद को नंबर वन और साथ ही साथ प्लेऑफ में पा लिया। जी हां, अब राजस्थान रॉयल्स ने 9 में से 8 मैच जीत लिए हैं और उसके सबसे पहले 16 पॉइंट हो गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के आसपास कोई भी टीम नहीं है, इसीलिए माना जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ का टिकट पा लिया है, क्योंकि अब आरआर को 5 मैच और खेलने हैं। 5 में से 1 या 2 मैच जीते ही आरआर ऑफिशियली क्वालिफाइड हो जाएगी। नंबर 2 पर अभी भी केकेआर है, 8 में से 5 मैच जीते हैं यानी कि 10 पॉइंट है। अगर केकेआर बाकी के 6 में से 3 मैच भी जीत जाती है तो इस आईपीएल में एक प्लेऑफ के लिए बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। नंबर 3 पर एसआरएच है, 8 में से 5 मैच जीते हैं। अगर एसआरएच बाकी के 6 में से 4 मैच भी जीत जाती है तो बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। नंबर 4 पर एलएसजी है, 9 में से 5 मैच जीते हैं। अगर एलएसजी बाकी के 5 में से 3 मैच भी जीत जाती है तो बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। इसके बाद नंबर 5 पर डीसी है, 10 में से 5 मैच जीते हैं। अगर डीसी बाकी के 4 मैच में से 3 मैच भी जीत जाती है तो डीसी भी क्वालिफाई कर जाएगी। नंबर 6 पर सीएसके है, 8 में से 4 मैच जीते हैं। अगर बाकी के 6 में से 4 मैच सीएसके जीत जाती है तो सीएसके भी क्वालिफाई कर जाएगी। नंबर 7 पर जीटी है, 9 में से 4 मैच जीते हैं। अगर जीटी बाकी के 5 में से 4 मैच भी जीत जाती है तो क्वालिफाई कर जाएगी। 3 टीमों का अब इस आईपीएल में क्वालिफाई करना मुश्किल दिख रहा है, पंजाब किंग्स, मुंबई और आरसीबी। पंजाब नंबर 8 पर है, मुंबई नंबर 9 पर है और आरसीबी नंबर 10 पर है। यानी ये मानकर चलिए कि नंबर 7 तक ही प्लेऑफ की लड़ाई है, बाकी की 3 टीमें लगभग प्लेऑफ से बाहर हो गई हैं। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप संजू को इस आईपीएल का सबसे बेहतर कप्तान मानते हैं, जो भी आपकी राय हो कमेंट जरूर करें।